अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। आप लोग की बहुत बहुत दुआओं और बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी वाली मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। थर्सडे है, बहुत सफाइयाँ चल रही हैं और आधी सफाइयाँ हो गई हैं। देखिए किचन बिल्कुल साफ़ साफ़ सा हो गया, सिर्फ फ्लोर रह गया है और इंशाल्लाह उसको भी क्लीन करेंगे क्योंकि हमारे व्यूज़ हैं बहुत, हमारे किचन देखने के लिए परेशान है, इंशाल्लाह उनको दिखाना है। वैसे तो फ़िलहाल हमारा किचन बहुत, पूरा घर हमारा साफ़ सुथरा रहता है, लेकिन अब ये होता है ना, कोई मेहमान आने वाला होता है तो इंसान थोड़ा एक्स्ट्रा सफाई करता है। तो जाहिर सी बात है वो भी हमारे मेहमान हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा सफाइयाँ चल रही हैं, और वैसे भी थर्सडे वीकेंड पे हम लोग एक्स्ट्रा सफाइयाँ ही करते हैं। तो ये है तो लंच का टाइम, लेकिन हम लोग बना रहे हैं ब्रेकफास्ट क्योंकि सब काम स्लो स्लो हो रहे हैं और थोड़ा खाना हमारे पास है बच्चा खुचा, वो हम लोग खाएंगे इंशाल्लाह। और ये बेक्ड पोटैटोज़ हैं जो हमारे घर में सबको बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, सब लोग खाते हैं और इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत अच्छे लगेंगे। ये हमारे पास 3 लार्ज साइज़ के पोटैटोज़ थे, उनको हमने कट करा है स्किन के साथ। अगर आपका आप स्किन के साथ आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप इसकी स्किन रिमूव कर दें। और ऑरिगैनो है हमारे पास 1 स्पून के करीब, अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो मत डालें, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बगैर भी बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। ये हमारे पास ऑलिव ऑयल है, ये हम 1 से लेके 2 स्पून के करीब डाल देंगे। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तब भी बहुत अच्छी बात है, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल डाल दें, ठीक है। और ये हनी है, हनी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें, हम इसमें 2 स्पून डालेंगे जो हमारे पास है। और अगर आप लोग के पास हनी नहीं है तो ब्राउन शुगर डाल दें, और अगर ब्राउन शुगर भी नहीं है तो आप मेल्ट करके गुड़ डाल दें, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। और इन तीनों में से एक चीज़ ज़रूर हर किचन में होगी इंशाल्लाह, सारी किचन किचन की रानियों के पास इंशाल्लाह ताला, किचन की रानियाँ खूबसूरत से आलू बेक करके और अपने घर के जो भी हमारे राजा हैं मतलब किंग हैं उनको खिलाएं, खुश खुश रखें। आदमी लोग बेचारे बाहर काम करके आते हैं, अच्छी अच्छी डिशेस बना बना के खिलाएं, ये हम सारी किचन क्वीन का फ़र्ज़ है। और इंशाल्लाह ये फ़र्ज़ बहुत खूबसूरती के साथ निभाएं, खूबसूरत खूबसूरत बने, अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत खूबसूरत सा बनाएं। पैपरिका था हमारे पास, अगर आपके पास नहीं है तो भूल जाएं पैपरिका को, क्योंकि बहुत से लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि मेरे पास सामान नहीं है, तो पैपरिका बहुत ईजी से अवेलेबल हो जाता है इधर। और इंडिया में अगर नहीं हो रहा है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च ले लें, सिर्फ ये कलर का काम कर रहा है, कोई भी मिर्चे का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये आलू ऐसे ही इतने खूबसूरत होते हैं बगैर मिर्चे के। चलें अजवाइन ऑप्शनल है, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट, थोड़ा सा डालेंगे फ़ायदेमंद भी है, तो थोड़ी सी अजवाइन हम डाल लें, अगर आपका मन है तो डालें, नहीं है तो बिल्कुल ना डालें, बहुत आलीशान तब भी बनेंगे। तो चलें ये व्लॉग हमारा चलता रहेगा इंशाल्लाह 2 दिन, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे बहुत खुश खुश तरीके से, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। सॉल्ट डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। और सबसे खूबसूरत तड़का हम लोग देसी लगाने जा रहे हैं, अपना इंडिया पाकिस्तान वाला चाट मसाला, ये 1/2 स्पून के करीब हम चाट मसाला डालने हैं, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त सा हो जाएगा। आज सारे घर वाले और मेन चीज़ है हमारे शौहर, हमारे हस्बैंड खुश खुश से हो जाएंगे, यहाँ पे वीकेंड थर्सडे फ्राइडे है, सेलिब्रेट करेंगे, और इंडिया पाकिस्तान में जहाँ पे जो वीकेंड होता है वो सेलिब्रेट करें, खिलाएं, खुश रखें। मेन काम हमें अपने शौहरों को, अपने घर के आदमियों को बहुत बहुत खुश रखना चाहिए, क्योंकि बेचारे वो बाहर जाते हैं, काम करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। अल्लाह पाक सारे शौहर जो सारे हमारे मतलब घरों के राजा किंग हैं सबको बहुत खुश रखे, सेहत के साथ रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। चलिए ये खूबसूरत से आलू हमारे रेडी हो गए हैं, ये ट्रे हमारे पास हैं, हमने इसमें फॉइल डाला हुआ है, अब ये खूबसूरत से हम आलू भी इसमें डाल देंगे। कुछ नहीं करना था, देखिए बिल्कुल सिंपल वे के थे और आज सिंपल वे वाला ब्रेकफास्ट है, सब कुछ होंगे इंशाल्लाह। थोड़े से हमारे पास ये तिल हैं, अगर आपके पास हैं तो डालें, ये ऑप्शनल्स हैं, खूबसूरती के लिए हैं, नहीं है तो बिल्कुल भूल जाएं, जो चीज़ें आपके पास हैं बस वो मिला के कर दें, सारी चीज़ के ऑप्शंस हैं। चलें इनको बेक हम करने के लिए रखेंगे, हमारा स्टोव हमारा गैस ओवन है, हम अपने उस हिसाब से रखेंगे, आप देख लीजिएगा किस हिसाब से, जब आपके सॉफ्ट हो जाएं गल जाए आप उसको बाहर निकाल लीजिए। हमारा ओवन प्री हीट हो रहा है, हम इसको डालने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट में इंशाल्लाह ये हो जाएंगे, उसके बाद खूबसूरत पोटैटोज़ के साथ हम आपसे मिलते हैं। चलिए देखिए हमारे खूबसूरत से ब्रेकफास्ट पोटैटोज़ रेडी हैं, देखिए कितने शाइनी शाइनी से लग रहे हैं, चमकदार चमकदार से माशाल्लाह से, बहुत टेस्टी ज़बरदस्त हैं। थोड़ा सा इसमें स्लाइस चीज़ हमने मिलाया, आपके पास मोज़रेला चेदर जो भी है मिला दें, मेरे पास लो फैट था स्लाइस तो इसमें 2 काट के हमने डाल दिए, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट हो गया, बहुत गर्म है फिर भी हम खा लेते हैं चले आपके लिए, कि चलो खा के टेस्ट बताते हैं, और देखने में खुशबू है तो ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी है,
बहुत इन्जॉय करेंगे इंशाल्लाह आप लोग वीकेंड। चलें हम लोग भी नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। चलें देखिए हमारे लंच की तैयारी हो रही है, शाम की चाय, ये सॉरी हमारे डिनर की तैयारी हो रही है थर्सडे के रात शाम की, और हमारी चाय भी बन रही है शाम की। ये गोश्त है हमारे पास, मटन है 300 ग्राम के करीब है, मटन बच्चे कम खाते हैं और मेरे हस्बैंड और हम लोग कितना खा लेंगे, खैर फिर भी ये 300 ग्राम गोश्त है। इसमें हमने हाफ ऑनियन कट करके डाली है, ये लहसुन है पूरा ऐसे ही डाल दिया है, जिंजर का एक टुकड़ा है कहाँ गया मिल नहीं रहा है, ठीक है। इसमें 4 हरी वाली इलायची हैं, 2 बड़ी वाली, 2 काली वाली इलायची हैं, 1 बादियान का फूल है, और ये हमारे पास 4 से 5 लौंगे हैं। ये यखनी पुलाव है, बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत अच्छा होता है, लखनऊ का फेमस यखनी पुलाव। ये हरी धनिया गया, बहुत थक गए काम करते करते इसलिए शायद गलत सलत मुँह से निकल रहा है, लेकिन नहीं, ये सूखी हरी धनिया है 1 स्पून के करीब, ये डाल देंगे हम, खुशबुएं खुशबुएं आएंगी इंशाल्लाह। सौंफ है हमारे पास 1 स्पून से कम है मोटी वाली, इसको डाल देते हैं, इन सारी चीज़ों को एक बार ऐसे ऐसे मिला लेते हैं, मिक्स मिक्स कर लेते हैं। सॉल्ट डाल देंगे, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा आप, 1/2 स्पून हमने डाला है, बाद में चेक कर लेंगे। और पानी डाल देते हैं, गोश्त को हम गला लेंगे। देखें ये हमारे पास एक पूरा 1/2 लीटर का ये है, 1/2 लीटर पानी है इसमें, थोड़ा सा और जाएगा 250 ग्राम के करीब। और हम अपना गोश्त पूरा, अपना नहीं मटन का गोश्त पूरा अच्छे से गला लेंगे, थोड़ा सा रह जाएगा अगर 5-10 पॉइंट, तो वो यखनी जब हम यखनी बनाएंगे इसका ये ग्रेवी मसाला, तो उसमें इंशाल्लाह हो जाएगा। चलें इस यखनी को अच्छे से बनने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए हमारे पास ड्राई स्पाइसेस हैं, 1 स्टार एनीस हैं, 2 हमारे पास काली वाली इलायची हैं, और 3 से 4 हमारे पास हरी वाली इलायची हैं, 8-10 काली मिर्चें हैं, 1/2 टीस्पून सौंफ है, और 1/2 टीस्पून हमारे पास धनिया है। इसको हम एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, सॉरी पाउडर बना लेंगे। ये देखिए गोश्त हमारा, मटन का गोश्त अच्छे से गल गया है, सॉफ्ट हो गया है, अब जितने भी पीसेस हैं वो निकाल लेंगे, और ये पानी, ये मसालों से पानी ड्रेन कर लेंगे, मसाले हटा देंगे क्योंकि सारा फ्लेवर इसमें आ गया है। और यहाँ पे हमें ऑयल भी चढ़ा दिया है अपने, यहाँ पे मेरे ख़्याल से 3 बड़े चम्मच ये ऑयल है इसमें, और 3 स्मॉल साइज़ की ऑनियन इसमें हम डाल रहे हैं। चलिए देखिए मैं पानी सारा ड्रेन कर लिया, मसाले सारे इधर निकल गए क्योंकि सारा फ्लेवर तो आ ही गया है पानी में। चलिए हम अपना बनाना शुरू करते हैं यखनी पुलाव। चलिए देखिए हमने प्याज इसमें डाल दी है 3 मीडियम साइज़ की, थोड़ा इनको ब्राउन होने देंगे क्योंकि हमें कलर ब्राउन चाहिए। चलें देखिए प्याज हमारी अच्छे से हो गई है, बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गई है। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देते हैं क्योंकि इस टाइम हमारे अब्दुल्ला का क्लास इस टाइम होता है इवनिंग टाइम में, 7 to 8 उनके क्लास भी हम लोग देख रहे थे, आज चिल्ड्रंस डे स्पेशल हो रहा था 14 नवंबर। अभी चलें आपको दिखाते भी हैं, बहुत मज़ा आता है उनके क्लास में। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने डाला है 1.5 स्पून के करीब। ये देखिए दही में, ये दही था 4 बड़े स्पून, इसमें जो मसाला हमने पीसा था उस मसाले को हमने ऐड करके और थोड़ा सा मिर्चा डाल दिया है अपने हिसाब से, आप देख लीजिएगा आप लोग जैसे खाते हैं उस हिसाब से डाल दीजिएगा, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और इस मसाले को और दही के साथ जो मसाला है जो हमने पीसा था ड्राई स्पाइसेस वो, और मिर्चा है थोड़ा सा, बस मिर्चा अपने हिसाब से देखिएगा। हम लोग ने 1/2 स्पून के करीब डाला हुआ है क्योंकि हम लोग मिर्चा थोड़ा कम खाते हैं, और 1-2 हरी मिर्चें भी डालेंगे। बहुत खूबसूरत खुशबू खुशबूदार सा माशाल्लाह से घर हो रहा है, किचन हो रहा है और पूरी बिल्डिंग हो रही है, और जिस एरिया में हम रहते हैं वो पूरा एरिया बड़ा खुशबू खुशबू सा हो रहा है कि लखनऊ की यखनी बिरयानी की खुशबू आ रही है भाई, लखनऊ वाली बिरयानी बन रही है, लखनऊ का पुलाव बन रहा है। चलिए इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं, और मटन भी अब डाल देते हैं, और उसके बाद चलिए हम आपको हम से मिलाते हैं, उनका क्लास अब हो रहा है उसको भी दिखाते हैं आपको। चलिए इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, 2 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रखते हैं और फिर आपको हम से मिला लेते हैं। ये देखिए हम का, अब्दुल्ला का ऑनलाइन क्लास हो रहा है, वो कर रहे हैं, आज चिल्ड्रंस डे स्पेशल हो रहा है। अब्दुल्ला को भी दिखाओ, अब्दुल्ला हाय, हैप्पी चिल्ड्रंस डे बोलो। और अब्दुल्ला की खूबसूरत सी फ्रेंड्स भी अब्दुल्ला के साथ बैठी हुई हैं, चलो तुम भी, मरियम तुम भी हैप्पी चिल्ड्रंस डे बोलो। हैप्पी चिल्ड्रंस डे।
ये अब्दुल्ला और तुबा की फ्रेंड है, मिलने आई थी अब्दुल्ला और तुबा से, तो अब्दुल्ला के क्लास हो रहे थे इसलिए वो खेल नहीं रहे थे, तो वो भी क्लास साथ में कर रही है, चलें वो इंजॉय, अब्दुल्ला अपना क्लास करते हैं, हम लोग चलें पुलाव वो बनाते हैं अपना खूबसूरत खूबसूरत सा। चलें पानी अच्छे से बॉयल हो गया है, नमक कम था हमने उसमें ऐड करा है, राइस डाल देते हैं, खुशबू खुशबू सा हो रहा है माशाल्लाह से घर, फिर दोबारा हम कहेंगे घर, बिल्डिंग और किचन सब कुछ बहुत ज़बरदस्त थी। लखनऊ की यखनी पुलाव नवाबों के यहाँ बनता होगा तो पूरा लखनऊ महकता होगा कि आज जो है यखनी पुलाव बन रहा है, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही माशाल्लाह से, जितनी अच्छी इस यखनी पुलाव की खुशबू आ रही उतना ही अच्छा इंशाल्लाह बन के भी रेडी होगा, और आप लोग भी बनाएं खुशबू खुशबू से अपना घर करें, अपनी ज़िंदगियाँ करें इंशाल्लाह। चलें इसको हम बॉयल पे रखते हैं तेज़, जब इसका पानी कम हो जाएगा तो इसको हम स्लो करेंगे और इसको हम करेंगे। चलिए देखिए हमारा खूबसूरत सा खुशबू खुशबूदार सा यखनी पुलाव बन के रेडी है, और माशाल्लाह से हमारा दस्तरखान सज गया, आप लोग आ जाएं। थोड़ी सी मैं खिचड़ी भी बनाई थी, खिचड़ी अच्छी लगती है अब्दुल्ला को, तो वैसे तो वो पुलाव भी शौक से खाते हैं लेकिन थोड़ा खिचड़ी खाने का मेरा मन कर रहा था तो हमने सोचा चलें खिचड़ी भी बना रहे थे, थोड़ा सा पुलाव तो है ही खुशबूदार, उसको भी इंजॉय करेंगे, तो अब्दुल्ला खा रहे हैं खिचड़ी, हम लोग खाएंगे पुलाव, आप लोग भी पुलाव खाइए, खुश खुश रहिए, बहुत खुशबूदार है। चलें इंशाल्लाह हम लोग खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। चलें आज फ्राइडे का दिन था और बच्चों की बहुत ही ख्वाहिश और तमन्ना थी कि काफ़ी टाइम हो गया है हम लोग ने बाहर खाना नहीं खाया है, तो हम लोग ने सोचा चलें बिस्मिल्लाह करके इंशाल्लाह हम लोग बाहर चल के खा लेते हैं, क्योंकि ये कोरोना वायरस के चक्कर में काफ़ी महीने हो गए हैं हम लोग कहीं भी बाहर ऐसे खाना खाने नहीं गए। कभी कभी हम लोग अक्सर जाते थे खाना खाने, कभी कुछ बर्थडे है किसी की बच्चे की या हम लोगों की एनिवर्सरी है तो थोड़ा सा सेलिब्रेट करते थे, यहाँ यही सारी चीज़ें हैं परदेश में तो बहुत मज़ा आता था। तो चलें फिर हम लोग बच्चों को लेके मुगल महल गए, हम लोग का फेवरेट प्लेस, खाना बहुत टेस्टी होता है यहाँ का और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। जब हम लोग को नॉन वेज खाना होता है तो हम लोग यहाँ भी यहीं आते हैं ज़्यादातर, और जब वेज खाना होता है तो हम लोग का बहुत ही खूबसूरत प्यारा उड़पी वहाँ पे हम लोग जाते हैं, तो आज काफ़ी महीनों के बाद आए और सारी फेवरेट चीज़ें तुबा की खाई हम लोगों ने, इनको बिरयानी राइस यहाँ के बहुत पसंद हैं और मंचूरियन है और पनीर मखनी, ये पनीर मखनी हमें अच्छी लगती है, सबका मिलजुल के हो जाता है माशाल्लाह, जो जिसको पसंद है खा लें, और दुआ यही है कि सब सेहत के साथ सेफ रहें, अच्छे रहें, सबकी कमाई में अल्लाह बरकत दे और सबके रोज़ी रोज़गार बरकरार रखें, सेहत भी दे, सेहत के साथ ज़िंदगियां दें सबको, आमीन सुम्मा आमीन। और बहुत अच्छा खाना होता है और बच्चे भी थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा चेंज हो जाता है वीकेंड पे कि चलें आए, थोड़ा चेंज हुआ, थोड़ा चेंज होके खाना खाया घर से बाहर, अपने घर वहाँ इंडिया में तो होता है, इंडिया पाकिस्तान अपने मुल्कों में तो माशाल्लाह से जब दिल चाह खाला मामू बहन भाई मैका ससुराल हो जाता है, यहाँ पे भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है काफ़ी लोग हैं माशाल्लाह से, आना जाना लगा ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस कभी कभी होटल का भी अच्छा लगता है कि चलो कुछ नहीं होटल का खाते हैं। ये चलें सबसे फेवरेट चीज़ है तो बात की, और हम लोगों की भी सौंफ सुपारी जो खाने के बाद हम लोग खाते हैं वो भी हम लोग ने इंजॉय किया मुगल महल से, बाय बाय कर, चलिए मुगल महल से करते हैं बाय बाय, वीकेंड माशाल्लाह बहुत अच्छा सा गुजरा, बहुत मज़ा आया, और आ गया सबसे फेवरेट दिन बच्चों का खूबसूरत खूबसूरत चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर, हमारी तुबा ने हमारे प्यारे अब्दुल्ला ने सेलिब्रेट किया घर में, एक छोटे सा फंक्शन रखा इन लोगों ने, बड़ा इंजॉय करा सारे बच्चों ने मिलके, खुश खुश हो गए सारे बच्चे, हम सब बहुत खुश हुए, बहुत मज़ा आया, बच्चों ने खाया पिया इंजॉय किया और थोड़ी सी मस्तियाँ करी, अच्छा होता है कभी कभी थोड़ा सा चेंज होता है, बहुत मज़ा आता है इन सारी चीज़ों से भी ज़िंदगी खुश खुश सी हो जाती है। चलिए बहुत मज़ा आया, आज के लिए इतना ही है, फिर एक बहुत ही खूबसूरत रेसिपी और इवेंट के साथ मिलेंगे, अल्लाह।